हेडिंग दीजिए आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स में एक वोल्टेज सोर्स के साथ पैरेलल में आप कोई भी लोड लगाइए, ठीक है ना। इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा? सेम रहेगा। करंट कोई भी फ्लो करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वोल्टेज क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। इसका वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ ये आपका ई है और इस वोल्टेज को मैं बोल रहा हूँ टर्मिनल वोल्टेज वी, क्या बोल रहा हूँ? वी, लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वी। और अगर मैं ग्राफ बनाऊं टर्मिनल वोल्टेज वी और आई के बीच में, टर्मिनल वोल्टेज वी और आई के बीच में ग्राफ बनाओ, तो यहाँ पर हमेशा आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो सेम रहने वाला है। और किसके इक्वल रहने वाला है? वी इज इक्वल टू ई के इक्वल रहने वाला है हमेशा। करंट का वैल्यू कुछ भी रहे, आइडियल जब भी आप क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे, आइडियल नहीं बोला हुआ है तब भी आइडियल लेना है, ठीक है ना। आइडियल के केस में कभी भी टर्मिनल वोल्टेज चेंज नहीं होता है। क्या मतलब हुआ? अगर यहाँ लोड नहीं भी रहेगा ना, लोड नहीं रहेगा तो करंट कितना हो जाएगा बोलिए? जीरो। अरे यहाँ लोड नहीं, ओपन सर्किट है, बताइए करंट कितना हो गया? जीरो। तब भी यहाँ पर वोल्टेज देख लीजिए, यहाँ पर कितना वोल्टेज आएगा? प्लस माइनस वी है ना, वी इज इक्वल टू क्या आएगा? ई। और आप कितना भी लोड लगा दें, कुछ भी लगा दें सर, शॉर्ट सर्किट के अलावा, है ना, शॉर्ट सर्किट कर दीजिएगा तो इनवैलिड हो जाएगा सर्किट। तो क्या होने वाला है बोलिए? करंट का वैल्यू यहाँ पे आप 2 ओम लगाइए, 4 ओम लगाइए, 5 ओम लगाइए, 6 ओम लगाइए, करंट का वैल्यू चेंज होता जाएगा, बट वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। केवी लगा के देख लीजिए, केवी लगाइए, केवी लगाइए, क्या हो जाएगा? माइनस ई प्लस वी इज इक्वल टू जीरो, E इज इक्वल टू वी, हमेशा V इज इक्वल टू क्या रहेगा? E रहेगा। क्या करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या यहाँ पे KVL? कितना करंट फ्लो कर रहा है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या? टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? डिपेंड नहीं कर रहा। क्यों ऐसा हो रहा है? चूंकि यहाँ पर इंटरनल रेसिस्टेंस जो होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स का क्या होता है सर? जीरो। तो R इंटरनल, R इन कितना होता है सर? जीरो। किसके लिए? आइडियल वोल्टेज सोर्स की। लिख लीजिए फटाफट करिए, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा भी जाता है कि इंटरनल रेसिस्टेंस आइडियल वोल्टेज सोर्स का कितना होता है, है ना? जीरो। आइडियल करंट सोर्स का कितना होता है? इनफिनिट। इसी में बच्चा क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाएगा, फिर एग्जाम के टाइम में गलत भी मार के आते हैं लोग इतना आसान क्वेश्चन। एमीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस आइडियल केस में जीरो, अब वोल्टमीटर का, हाँ तो सब चीज़ पता होना चाहिए। सब बच्चा बच्चा वाला क्वेश्चन छोटा छोटा इसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में। हो गया, लिखिए इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स इज ज़ीरो। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स इज ज़ीरो। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स इज जीरो। बना लिए ग्राफ ना? हाँ। अब देखिए हेडिंग दीजिए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स
सोर्स रेसिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो बट वेरी स्मॉल. सोर्स रेसिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो. सोर्स रेसिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो बट वेरी स्मॉल. बट वेरी स्मॉल. ठीक है. नॉट इक्वल टू जीरो बट वेरी स्मॉल. अब देखिए यहां पे अगर हम लोग वी वर्सेस आई अगर बनाएं तो क्या होने वाला है, ध्यान से समझिएगा अच्छे से. यहां आइए, आई जब जीरो होगा, जब ओपन सर्किट होगा, जब ये क्या होगा, ओपन सर्किट होगा, तो क्या यहां कोई करंट फ्लो करेगा? क्या करंट फ्लो नहीं करेगा? तो इसमें कोई वोल्टेज आएगा क्या? ये रेसिस्टर वोल्टेज लेगा ना कुछ? कितना लेगा? आई इंटू आर इन. बोलिए, वोल्टेज कितना होता है? करंट इंटू रेसिस्टेंस. तो आर इंटू आई इंटू आर इन लेगा. बट जब ओपन सर्किट होगा तो आई का वैल्यू कितना होगा? जीरो. तो ये कोई वोल्टेज नहीं लेगा, पूरा का पूरा वोल्टेज कहाँ आएगा? लोड के क्रॉस. तो जब आई इज इक्वल टू जीरो होगा तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी? ई के इक्वल. वी इज इक्वल टू क्या होगा? ऐसा कैसे हो गया? कॉल वॉल तो नहीं आया था? ठीक. हाँ ठीक है. देखिए ध्यान से देखें, तो अगर करंट ज़ीरो है, अगर करंट ज़ीरो है तब तो टर्मिनल पे कौन सा वोल्टेज आएगा सर? ई के इक्वल. अगर करंट ज़ीरो नहीं होगा तो कैसे लिखेंगे? माइनस ई प्लस आई इंटू आर इन प्लस वी इज इक्वल टू ज़ीरो. तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई माइनस आई टाइम्स ऑफ आर इन. अभी केवीएल नहीं पढ़ाया, नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अभी समझिए बस मैं बोलना चाह रहा हूँ क्या, कि अगर यहाँ करंट फ्लो करेगा तो ये तो कुछ वोल्टेज ले लेगा ना. सोर्स का कुछ वोल्टेज है 10 वोल्ट, हो सकता है कि 1 वोल्ट या 2 वोल्ट ये ले ले, तो यहाँ वोल्टेज क्या पड़ेगा? कम मिलेगा. अगर ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो ये ज़्यादा लेगा. देखो ये कितना वोल्टेज लेगा, ये कितना वोल्टेज लेगा? आई इंटू आर इन, यही वोल्टेज लेगा ना ये. अगर करंट आई है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? आई इंटू आर इन. अगर ज़्यादा करंट फ्लो करेगा इसमें तो ये वोल्टेज ज़्यादा होगा. देखो आई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्लियर है? तो ये वोल्टेज ज़्यादा होगा तो यही ना इसको भी दे रहा है और इसको भी दे रहा है. बोलिए, तो अगर ये ज़्यादा हो गया तो यहाँ कम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि ये फिक्स है. तो ऑब्वियस ही बात है, कहने का मतलब ये है आइडियल केस में कांस्टेंट रहता था, बट प्रैक्टिकल केस में क्या होगा सर? ड्रॉप होगा, यानी कि वोल्टेज का ड्रॉप होगा. ठीक है ना, जितना ज़्यादा करंट होगा लोड टर्मिनल पर उतना ही कम वोल्टेज मिलेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? जितना ज़्यादा करंट होगा लोड टर्मिनल पर उतना कम वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि इंटरनल रेसिस्टेंस के वजह से वोल्टेज ड्रॉप होने लगेगा. फटाफट सेम कॉन्सेप्ट हम लोग लिख लेते हैं. किसके लिए? करंट सोर्स के लिए. करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स. कल आपको हम डिपेंडेंट सोर्स के बारे में भी जानकारी देंगे. ठीक है, करिए. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए. आइडियल करंट सोर्स. ठीक है,
सोर्स रेसिस्टेंस इज इनफाइनाइट, सोर्स रेसिस्टेंस इज इनफाइनाइट, लोड करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, लोड करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड वोल्टेज, लोड करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड वोल्टेज, लोड करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड वोल्टेज. क्या मतलब हो इसका? कि आइडियल करंट सोर्स के केस में लोड कैसा भी हो, कुछ भी हो, उसमें करंट हमेशा सेम जाएगा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा. मानते हैं इसमें करंट आई है और यहाँ पर लोड लगा हुआ है वी, जिसका वोल्टेज है वी, टर्मिनल वोल्टेज मान लेते हैं वी है, तो इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है ना वो होता है इनफाइनाइट. और इंटरनल रेसिस्टेंस को इसके साथ कहाँ दिखाते हैं? पैरेलल में दिखाते हैं. तो आर इंटरनल इज इक्वल टू होता है इनफाइनाइट, याद रखिएगा. वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है कहाँ दिखाते हैं? सोर्स के साथ सीरीज में. और करंट सोर्स का कहाँ दिखाते हैं? पैरेलल में. चूंकि यहाँ करंट डिवीजन वगैरह दिखाना है, अगर सीरीज में दिखा देंगे करंट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा आपको. समझ आ रहा है कि नहीं? ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ भी हो, वोल्टेज का वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ लोड आप कुछ भी लगा दीजिए, कितना भी ओम लोड लगा दीजिए, हमेशा इसमें करंट आई फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? चलिए आईएस मान लेते हैं, चलिए आईएस फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? हमेशा इसमें करंट आईएस फ्लो करेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ भी लोड लगा लीजिए, यहाँ 2 ओम 3 ओम 4 ओम 50 ओम 1 किलो ओम 10 किलो ओम 50 किलो ओम 1 लाख किलो ओम लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. इसमें करंट सोर्स के साथ अगर है तो आइडियल करंट सोर्स हमेशा सेम करंट सप्लाई करेगा, कभी भी उसमें करंट का ड्रॉप नहीं होता है. अगर ये 50 एम्पीयर सप्लाई कर रहा है तो हमेशा 50 एम्पीयर सप्लाई करेगा, यहाँ कुछ भी आ जाए. तो करंट वर्सेस वोल्टेज अगर हम बनाएं यहाँ पर, तो यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा सर? ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, बोलिए, कि लोड वोल्टेज कुछ भी हो, करंट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. यही अगर प्रैक्टिकल के लिए बनाने, समझा देता हूँ मैं आपको यहीं पर. प्रैक्टिकल के लिए अगर मैं बनाऊँ तो प्रैक्टिकल में इंटरनल रेसिस्टेंस हाई होगा, बहुत हाई होगा, ठीक है ना? है ना? इनफाइनाइट नहीं होगा, फाइनाइट होगा बट हाई होगा. प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में जीरो नहीं होगा बट जीरो के आसपास होगा, स्मॉल होगा, ऐसे याद रखिएगा. आइडियल करेंट सोर्स में इंटरनल रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, प्रैक्टिकल सोर्स के केस में वेरी हाई होगा बट इनफाइनाइट नहीं होगा, इनफाइनाइट के पास होगा, वही हाई होगा. लोड देखिए, बिल्कुल नहीं कम होगा, तो बता रहा हूँ कितना कम होगा, समझिए, चेंज होगा करंट. अब कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस है, बोलिए, ये आपका सोर्स रेसिस्टेंस है, ये आपका लोड वाला रेसिस्टेंस था आई, तो अब आई एस इज इक्वल टू आई होगा क्या? कुछ करंट तो यहाँ पर भी जाएगा, बोलिए, कुछ करंट तो इधर भी जाएगा, नहीं समझ में आ रही बात? कुछ करंट इधर भी जाएगा, तो अब ये करंट डिक्रीज होगा, ठीक है ना? अब समझिए बात को अच्छे से. अगर यहाँ रेसिस्टेंस हम बढ़ाते जाएं तो यहाँ पे अब करंट कम होने लगेगा, अगर यहाँ वोल्टेज बढ़ाते जाएं तो अब यहाँ करंट क्या होगा? कम होगा. चूंकि अब इस करंट के पास दो दो रास्ता है. फॉर एग्जाम्पल समझो, मैं बोलूं कि यहाँ पे आर इंटरनल कुछ है, फिक्स कर लिया, कुछ वैल्यू फिक्स है, यहाँ पे 1 ओम लगाए थे, तो मान लेते हैं कुछ करंट फ्लो करता है 1 एम्पियर. अगर अब लगा देंगे 2 एम्पियर तो क्या अभी भी 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा? 1 एम्पियर से कम करेगा कि ज़्यादा? कम. चूंकि अब इसको दिखेगा कि पहले चलो 1 एम्पियर था तो हम 1 एम्पियर जाते, 1 ओम था तो 1 एम्पियर जाते थे, अब 2 एम्पियर है, अगर यहाँ पर 2 ओम है तो अब ये दोनों में कंपेरिजन करेगा, कौन ज़्यादा है कौन कम है, उसके अकॉर्डिंग करंट थोड़ा सा इधर भेजेगा थोड़ा सा इधर भेजेगा, अब करंट कम होने वाला है. फॉर एग्जांपल चलिए मैं ले लेता हूँ, मैं बोलूँ कि ये 10 किलो ओम है और ये भी 10 किलो ओम है, तब तो दोनों में क्या हो जाएगा? बराबर जाएगा. मैं बोलूँ कि यहाँ पर 6 किलो ओम था, ऑब्वियसली बात है करंट इसमें ज़्यादा जाएगा, 6 किलो ओम में, इसमें कुछ जाएगा.
मैं बोलूँ 6 नहीं है 8 है, तो बताइए तो 6 किलो ओम के कंपेरिजन में अब इसमें करंट कम होगा कि ज़्यादा? कम होगा। और इसमें ज़्यादा होगा। यहाँ पर करंट तो सेम ही आ रहा है, यहाँ करंट तो जाएगा, बट पहले कंपेरिजन में इसमें ज़्यादा करंट जाएगा इसमें? हाँ, इन्हीं बोल रहे हैं इससे ज़्यादा इसमें जाएगा, ये नहीं बोल रहा मैं, कंपेरिजन में बोल रहा हूँ, पिछला केस से कंपेरिजन में इसमें 8 किलो में अब करंट कम होने वाला है। तो ओवरऑल कहने मतलब क्या है कि प्रैक्टिकल के लिए अगर हम लोग बनाएंगे तो प्रैक्टिकल के लिए ग्राफ कैसा बनेगा सर? जिस तरीके से प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के लिए बना था, सिर्फ एक्सिस चेंज हो रहा है। ध्यान से देखो, आप जब करंट सोर्स, जब आप वोल्टेज सोर्स के लिए पढ़ रहे थे तो वाई एक्सिस पे वोल्टेज रखे थे, एक्स एक्सिस पे क्या रखे थे? करंट। बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है और वाई एक्सिस पे क्या है? करंट है। इस तरीके से होगा कि नहीं होगा? करंट डिक्रीज होगा। करंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। जैसे जैसे वोल्टेज इधर बढ़ाते बढ़ेगा, करंट क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। लिखिए, आइडियल के लिए लिख लिए है ना? Yes, बना लो डायग्राम पहले। आइडियल ये प्रैक्टिकल का है, 10 किलो में 8 किलो में नहीं लिखना है आपको, सिंपली बस डायग्राम बनाइए। वी लिख लीजिएगा यहाँ पे, टर्मिनल वोल्टेज भी दिखा दीजिएगा। आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है इसके ऊपर, ठीक है? समझ में आ रहा है? क्लियर है? लिखिए, फॉर प्रैक्टिकल करंट सोर्स, फॉर प्रैक्टिकल करंट सोर्स, सोर्स रेसिस्टेंस इज हाई, सोर्स रेसिस्टेंस इज फाइनाइट। फॉर प्रैक्टिकल करंट सोर्स, सोर्स रेसिस्टेंस इज फाइनाइट, source resistance is finite but very high, but very high, ठीक है? but very high। concept को दिमाग में अच्छे से बैठाइए। exam के time में अगर statement वगैरह लिख के आता है तो दिक्कत हो जाता है, कभी कभार सही नहीं देते हैं answer, गलत देते हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? practical के लिए पूछ लेगा, current source में practical के लिए आप बोल दीजिएगा अच्छे practical है तो थोड़ा बहुत होगा, बोलो स्मॉल रेसिस्टेंस मार के आ जाइएगा। करंट सोर्स के लिए स्मॉल रेसिस्टेंस आइडियल के आसपास रखिए ना, हमेशा आइडियल वाला याद रखिए। अब प्रैक्टिकल पूछे तो उसके करीब रखिए। तो वोल्टेज सोर्स का आइडियल क्या होता है? जीरो। आइडियल वोल्टेज सोर्स में सोर्स रेसिस्टेंस कितना है? जीरो। तो प्रैक्टिकल पूछे तो जीरो से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि स्मॉल। आइडियल करंट सोर्स में सोर्स रेसिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट। तो कोई प्रैक्टिकल पूछे तो थोड़ा सा कम, यानी कि वेरी हाई। इनफाइनाइट तो बहुत हाई होता है ना, उससे थोड़ा सा कम क्या हुआ? इनफाइनाइट के आसपास, यानी कि वेरी हाई। समझ में आ रहा कि नहीं? आज की क्लास में इतना ही, कल से हम लोग टाइप्स ऑफ सोर्सेस करेंगे, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, KCL, KVL, कैसे हम लोग लगाते हैं वोल्टेज, ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, हर एक चीज़ पढ़ाएंगे बहुत डिटेल में, एक एक क्वेश्चन कराएंगे आपको।